लाएंगे, एनपीआर लाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं एनपीआर एनआरसी है। एनपीआर क्या है? एनआरसी है। ये नाम बदल दिए, क्या है एनपीआर? मैं अपनी बातों से कुछ नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट का मैनुअल, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया था होम मिनिस्ट्री का, वो नोटिफिकेशन पढ़िए। उस नोटिफिकेशन में लिखा गया है नंबर वन, आपके लोकल लेवल में पंचायत म्युनिसिपैलिटी लेवल पर एक रजिस्टर बनाया जाएगा। उस रजिस्टर का नाम होगा लोकल पॉपुलेशन रजिस्टर, LPR। उसके ऊपर और एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सब डिविजन पॉपुलेशन रजिस्टर। उसके ऊपर और एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसका नाम है DPR। पूरे इंडिया के DPR डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन रजिस्टर को मिला के NPR बनाया जाएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है, आपके घर में आएंगे और आपसे कहेंगे भाई सिर्फ सवाल है ना, क्यों डर रहे हो, नाम क्या, आधार कार्ड क्या, पासपोर्ट नंबर क्या, सिर्फ इतना पूछ रहे हैं ना। अब उसमें असल में क्या पूछ रहे हैं मालूम, तुम्हारे अम्मी किधर पैदा हुए, तुम्हारे अब्बा किधर पैदा हुए। एनपीआर जो है पिछले 6 महीने का डेटा है, पिछले 6 महीने के डेटे में हमारे अम्मी का पैदा हुए, अब्बा का पैदा हुए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? वो इसलिए क्योंकि उनको चेक करना है। अगर एक भाई बेंगलोर में रहता है उसने कहा है अम्मी बेंगलोर में पैदा हुई, एक भाई मैसूर में रहता है उसने गलती से कहा अम्मी मैसूर में पैदा हुए, दोनों भाई के ऊपर ऑब्जेक्शन लगेगा सिटीजनशिप के लिए, उनको कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा। समझे बात मेरी? आप जो अपना पूरा एप्लीकेशन भरेंगे ना NPR में, आप पूरा डेटा देंगे, म्युनिसिपैलिटी में बैठा हुआ तहसीलदार लेवल के ऑफिसर को यह पावर दिया जाएगा, वो आप पर डाउट करें, वो आप पर डाउट करें, यानी आप इंडियन हो या नहीं, ये डाउट कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी में बैठा हुआ तहसीलदार लेवल का ऑफिसर, आप इंडियन हो या नहीं है। अगर उसको थोड़ा भी डाउट आया आपको नोटिस आएगा, जाना है 1 महीने के अंदर जाकर आपको पूरा प्रूफ करना है, पूरा डॉक्यूमेंट देना है, आसाम की तरह लाइन में रुक के आसाम की तरह डॉक्यूमेंट देना है। खतरनाक है ये NPR। अब ये NPR का सलूशन क्या है? NPR का सलूशन सिर्फ एक सिंपल है, NPR को रिजेक्ट करो। NPR को क्या करो? रिजेक्ट करो। रिजेक्ट करने का मतलब, हमारे औरतें भी हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, घर में अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए आपसे पूछे हम लोग आपके घर में डिटेल्स लेने आए, सबसे पहला सवाल पूछिए ये डिटेल NPR का है क्या? अगर वो कहेंगे हाँ ये NPR का डेटा है, सीधे सीधे बोलो हम कागज नहीं दिखाएंगे, सीधे सीधे बोलो हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमें कुछ डेटा देंगे नहीं, क्या होता देख लेंगे। डॉक्यूमेंट अगर आप लोग सोच रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट पूरा सही है मैं दिखा देता हूं करके, देखिए ये मुनाफिकत नहीं करना, मुनाफिकत नहीं करना। जैसे हमारे हजरत बताए पूरे इंडिया के अंदर इत्तेहाद आ गया है, अलग 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 ग्रुप्स के उलमाओं के अंदर इत्तेहाद आ गया है, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में इत्तेहाद आ गया है। जब पूरे इंडिया मिलकर कह रहा है NPR को रिजेक्ट करो, आपके दिल के अंदर ऐसी मुनाफिकत नहीं आना, मैं डॉक्यूमेंट दिखा डालूंगा नहीं बात, दूसरों का मजे कहीं को करके। याद रखो टिप्पू सुल्तान जैसे बहादुर बहादुरी से लड़े, लेकिन ये मीर सादिक मीर जाफर के नौबत से तकलीफ हुआ, याद रखो। तो ये मीर जाफर मीर सादिक के काम नहीं करना। अगर हम डिसाइड करते हैं हम NPR में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, जो होगा देख लेंगे। कोई बड़े बड़े से बड़े मुस्लिम गैर मुस्लिम दलित हिंदू हर कोई बोल रहे हैं हम NPR रिजेक्ट कर रहे हैं,
तो ये एक सोल्यूशन है। दूसरा बात, मुसलसल प्रोटेस्ट कीजिए, ऐसे प्रोटेस्ट बंद नहीं होना। लोग कहते हैं प्रोटेस्ट से क्या होगा, सिंपल बात है, मुर्दा प्रोटेस्ट नहीं करता, जिंदा प्रोटेस्ट करता है, याद रखो। आप जिंदा हो उसकी निशानी है प्रोटेस्ट करना। मुर्दे को मारो, कुछ लोग कुछ भी करो, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। जिंदा को मारोगे, जिंदा पूछेगा क्यों मार रहे हो, जिंदा को तकलीफ दोगे, जिंदा कहेगा क्यों तकलीफ दे रहे हो, जिंदा आदमी पर जुल्म करोगे कहेगा क्यों जुल्म कर रहे हो। जिंदा हो तो प्रोटेस्ट करना, यह हमारी सिफत है। इनको मजबूर करना, इंदिरा गांधी ने भी बहुत बड़ा इमरजेंसी लाई थी, सोची थी कि इंडिया हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगा। हुआ क्या, दो साल के अंदर इंडियन पब्लिक के सामने झुकना पड़ा, वापस डेमोक्रेसी लाना पड़ा उसे भी। तो इंदिरा गांधी से हम झुका सकते हैं। ये बड़े बड़े दो लोग जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, और इतनी बात जानो, सबसे बड़े बुजदिल लोग हैं, सबसे बड़े बुजदिल हैं। हिम्मत नाम की चीज नहीं है।